गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो अभी हो रही है पैकिंग और फर्स्ट टाइम एवर हम जाने वाले हैं ट्रिप पे। इस ट्रिप पे हम बहुत बार गए हैं बट इस बार बहुत ही स्पेशल है। वो आई थिंक थंबनेल में डाला होगा मैंने, या फिर आपको पता चल गया होगा, या फिर आप पता चल ही जाएगा। सो थोड़ी देर में डिटेल्स बताती हूँ आपको। सो अभी फिलहाल जो मैं देख रही हूँ सामने, ये सबसे मुश्किल काम है पैकिंग का, बताती हूँ आपको। पहला तो मैंने लिप शेड्स इतने सारे ट्राई किए जिनमें से कि कौन सा मुझे जनरली वहां पे लगेगा। सो वो एक दो लेके जाने हैं बिकॉज इतने सारे लिप शेड्स आप कैरी कर नहीं सकते। और दूसरा है ये इतनी सारी ज्वेलरी में से गिन के सिर्फ चार पांच लेके जाना, क्योंकि इतना आप वहां पे पहनोगी नहीं और इतना मुझे कैरी करना नहीं है। सो ये बैठ के मैं वही सॉर्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पे है मेरा फेवरेट वाला एक जो मेकअप बैग है ना, सब कुछ इसमें डाल लो, पोटली की तरह बांध लो, वहां पे ओपन करो, यूज करो। ये बहुत ही यू नो काफी यूजफुल है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार पक्का लेना और फिर देखना कितना हेल्पफुल है। चलो एनीवेज अभी मुझे बैठ के आधा एक घंटा इसमें लगना है और अपना पूरा सारा पैकिंग करना है। सो यहाँ पे अनन्या को लगा दिया है उसका सेट करने के लिए। हालत देखो उसके कमरे की, उसको बोला इस बार तू डिसाइड कर तू क्या पहन के जाएगी, क्या लेके जाएगी। वहां जाके मुझे ये नहीं सुनना मम्मा ये लेके आए क्या, वो लेके आए क्या। सो रेगुलर वेयर बाहर जाने के लिए, पार्टी वेयर वो उसको सब बता दिया है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अंडर गार्मेंट्स। तो अनन्या ने अपना सारा सब कुछ बाहर निकाल लिया है, अभी देखते हैं अनन्या क्या करती है। तो इस बार अनन्या अपनी सारी पैकिंग खुद करने वाली है, ठीक है। सब कुछ उठा के लेके नहीं जाना है आपको, डिसाइड चूज करना पड़ेगा, ये नहीं कि सब उठा लो। ओके सो फाइनली ये सब सॉर्ट किया है, गोल्डन और सिल्वर में है कुछ यहाँ पे। और ये अनन्या को बोले एक दो क्लोथ्स में से देखना, सिर्फ एक या दो पहनेगी, बोले अभी सब रख के गई कि ये भी पहनूंगी ये भी पहनूंगी। ये कुछ लास्ट टाइम मैंने गोवा से लिए थे वो रख लिए वापस से, रुको एक मिनट ना। और यहाँ पे कुछ बड़े वाले इयर रिंग्स हैं जो मैंने रखे हैं अगर जरूरत पड़ी पार्टी वगैरह के लिए तो वो। सो या ये है मेरा ज्वेलरी जो मैं लेके जा रही हूँ साथ में। सो अनन्या के लिए ना क्रॉक्स मंगाए थे और बिल्कुल टाइम पे आए हैं, मुझे था कि आए नहीं आए क्योंकि उसके पुराने क्रॉक्स हैं तो सही लेकिन वो ना काफी पुराने हो गए, हर जगह इतने सालों से पहन रही है वो। सो ये आगे उसको देखना है कि साइज है कि नहीं है उसका। तो सैडली थोड़ा छोटा हो गया, अनन्या को नहीं आया तो अनन्या को अपने पुराने क्रॉक्स से ही काम चलाने पड़ेंगे। सुबह से लगे हैं, होगी फाइनली पैकिंग एक दो और ये तीन। सो ये तीन चीजें हैं और इसमें सारे शैम्पू वैम्पू जो ऐसा है ना कि गिर सकता है वो इसमें डाल दिया है। सो ये तीन सूट केसेस हो गए। जस्ट लंच किया है ना, आवाज कम करो, तीन बज रहे हैं और सुबह गया है गाड़ी वगैरह का प्रॉपर चेक करवाने। सो फर्स्ट टाइम ऐसा क्या है इतना, मतलब जो मैं आपको बोलती हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं गोवा। और गोवा हम पहले भी बहुत बार जा चुके हैं आपके साथ, मैंने लास्ट ईयर व्लॉग भी शेयर किया है। इस बार खास ये है, एक तो सरप्राइज है कि वहां पे कोई आने वाला है, किसके साथ हम गोवा जाने वाले हैं वो आपको गोवा जाके पता चलेगा। बट जो पहली बार हम कर रहे हैं वो है कि वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, अपनी कार में ड्राइव करके जाने वाले हैं। सो वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमेशा हम जनरली बस लेते हैं यहाँ से ना, बहुत अच्छी बसेस चलती हैं रात को, स्लीपर टाइप की जो बसेस होती है ना, प्रॉपर अच्छी बसेस होती है। बट देन सिंस हमने अपना गाड़ी लिया है उसके बाद से हम लोग गोवा, जब हमने गाड़ी लिया था उस टाइम पे ही हमने प्लान किया था कि हम लोग गोवा का ट्रिप पक्का अपनी गाड़ी में मारने वाले हैं। सो लास्ट ईयर हो नहीं पाया था बट इस ईयर हमने प्लान किया कि हम लोग चलो आज इस बार ना गाड़ी निकाल के लेके चलते हैं। तो गाड़ी के लिए प्रॉपर वो भी मंगाया हमने ताकि पीछे रहने आराम से सो जाए, तो इसके बाद मैं वो क्लिपिंग चला दूंगी, या तो मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल दिया होगा उसका जो भी है, तो मैं वापस से वो शॉर्ट यहाँ पे डाल दूंगी इसके बाद। सो अनन्या आराम से रिलैक्स होके जा पाएगी। तो 9 से 10 घंटे का ड्राइव है, गूगल मैप्स पे दिखा रहा है, और हम आराम से जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं जाना चाह रहे कि मतलब फुल स्पीड में बिकॉज फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं गाड़ी। सो इसलिए आराम से ड्राइव करके जा रहे हैं, बीच में रुक के जाएंगे जहां पे इजी लगेगा ना, खाना वाना खा के बीच में ब्रेक्स लेके आराम से। सो इसलिए प्लान सो फार ये है कि कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले हैं। और कल क्या डेट है अनन्या? 30th अर्ली मॉर्निंग 4:30 तक हमारा प्लान है कि हम लोग निकल जाएं ताकि गोवा हम आराम से 12 से 2 बजे के बीच में पहुंच जाएं। सो जो आ रहे हैं हमारे साथ गोवा में, सो वो भी अराउंड मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे, तो उनका भी बड़ा प्रेशर है हमारे पास कि हम लोग बोर हो जाएंगे, तुम लोग जल्दी निकलना, टाइम से पहुंच जाना करके। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम रोड ट्रिप इतना लंबा, सो वेरी एक्साइटेड। और अनन्या एक्साइटेड है क्या पीछे लेट के जाने के लिए, है ना? फिलहाल तो अनन्या वेट करी कि मम्मा ऐसा व्लॉगिंग थोड़ा सा बंद करे तो मैं टीवी ऑन करके देखना स्टार्ट करूँ, है ना? तो ये डोरमैट्स मंगाए थे, यहाँ पे बहुत सारे डोरमैट्स की ज़रूरत है हमको। और ये इसी ब्रांड का ना, मैंने पहले हॉल दिखाया था तो उसमें मंगाए थे मैंने। तो ये तीन कलर्स मंगाए, बड़े मस्त निकले हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरे घर के कलर में जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट 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 है बिल्कुल। एक ये है, एक ये है, समझ के फील ले रहे हो? एक ये है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, दिस इज डार्क ब्लू, मस्त लग रहा है, काफी अच्छा है।
सो ये हमारा पुराना वाला है, काफी गंदा हो गया, इसको वॉश करना पड़ेगा। यहाँ चढ़ा रहे हैं शाम की चाय और सुभाष भी सब काम कर करा के अब जाके घर पहुंचे हैं। और गाड़ी वगैरह सुभाष ऑल क्लियर गाड़ी का? कहीं भी लॉन्ग ड्राइव जाओ ना, मेक श्योर आप गाड़ी एक बार प्रॉपर पूरा चेक करवा के जाओ। तो आज हमने वही करवाया, सारा चेकअप वगैरह सुभाष ने करवाया। यस अनन्या, अनन्या इज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड कल जाने के लिए। सो इसीलिए मेरे को था कि ना जल्दी जल्दी हम लोग शिफ्ट करके थोड़ा बहुत घर सेट कर लें, क्योंकि कहीं गए अगर घूमने के लिए ना वेकेशन पे, तो वापस आके एटलीस्ट इतना हो कि थोड़ा बहुत घर सेट हो। सो बाकी घर फंक्शनल है, प्रॉपर है, बाकी ये जो है जो चीज हमको खरीदनी है ताकि इन सब चीजों को हम सेट कर सकें, वो वापस आके आराम से तसल्ली से करेंगे। भागा दौड़ी से मतलब करते ना तो ऐसा आराम से देख दूख के नहीं कर पाते, इसलिए हमने सोचा कि काम तो चल ही रहा है और ऐसा कुछ फैला भी नहीं है, साइड में सब सेट हो ही रखा है तो चलेगा। सो चलो अभी पहले चाय पीते हैं। एक ये कोरियन ड्रामा कब से चल रहा है घर में पता नहीं, इन दोनों को इतना पसंद है, सुभाष को और अनन्या दोनों को। क्या है नामसू? स्ट्रॉन्गल नाम सॉन्ग। अनन्या को तो कोरियन सॉन्ग नहीं, सून सून। ओके सी यू सून वाला सून। ओके नाम सून, मतलब जब से इस घर में हम लोग आए मुझे लगता है जैसे एक नॉस्टैल्जिया आता है ना, ये वाला सीरीज हैज बिकम लाइक इस घर का, जब चाहे तब से यही सीरीज चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हो रही है डिनर की तैयारी, तो अंडे की भुजी बना रही हूँ, ज्यादा सब्जियां कुछ मंगाई नहीं थी, फ्रोजन मटर पड़े हुए थे, टमाटर प्याज और धनिया पत्ता डाल के भुजी बनाऊंगी ना, जल्दी बन जाएगा। और सुभाष और अनन्या निकले हैं गाड़ी सेट करने, तो बेसिकली जो गाड़ी के वो पीछे जो सीट सीट के सामने जो उसका बेड लगाना है वो लगाने के लिए। बाय। सो आजकल अंडे इतने खराब निकलने लगे हैं ना कि काफी बार ऐसा हुआ है जैसे 3-4 अंडे मैंने डाल दिए, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अंडा डाला वो खराब निकला, तो पूरा सब्जी खराब हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, जितने भी एग्स वो पहले बोल में डालती हूँ फिर इधर डालती हूँ। सो ऐसे एटलीस्ट अगर एक अंडा खराब है ना तो सिर्फ वही वेस्ट होगा, पूरा सब कुछ वेस्ट नहीं होगा। सो स्टार्टेड डूइंग दिस। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरी सब्जी मेरी खराब होगी इसकी वजह से। देखो पापा हवा भर रहे हैं वो पिल्लो में, और मैं अभी लेट ही हुई हूँ। और ये अन्ना का हो गया बेड, मतलब बन गया बेड, मस्त सूख जाएगी अन्ना अब सुबह। मैं एक्चुअली मेरा प्लान क्या बताऊं, मैं रात को नहीं सोऊंगी, जब आप उठोगे ना और जब हम निकलेंगे तब मैं सोऊंगी, नींद पूरा करूंगी। मस्त चला जाता, हम चलाएंगे और तुम मस्त महारानी की तरह सोएगी पीछे। इसलिए बेड मंगवाया था ना तूने? हाँ। मस्त वाला। हाँ। पूरा हवा फिल हो गया, जब सोएगी आने तो यहाँ से हम चुपके से हवा निकाल देंगे, फुस और ना एकदम से नीचे सीट पे बिस करके, है ना? You will not do that. You are a good parent. ये थोड़ा सा फैब्रिक का है हल्का सा, तो अच्छा है, इसके पर हम लोग ये बेडशीट बिछा सकते हैं जो कि हम सुबह बिछा देंगे एक बार। मुझे नहीं बिछाना। और ये दो पिल्लो भी आने के, अपना पिल्लो ये भी ले सकते हो तो, ये वाला कोई आवाज हो तो। है ना, चलो आ जाओ, चलो मैं खाने वाली हूँ ये राइस। तो जो मैंने एग बनाया था ना उसी को मैं थोड़ा सा बचा लिया, एग भुर्जी, उसमें चावल डाल दिए और ये जो शेजवान ऐसी चटनी आती है ना ये डाल दी एक चम्मच, तो मस्त मेरा शेजवान राइस बन गया। ना मैं थोड़ा सा राइस चाहिए किसी को? ओके। और रोटी सुभाष पराठा वगैरह कुछ? ओके। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 30th ऑफ December. और ये हमारा सारा सूटकेस वगैरह सब यहाँ पे सेट हो गया है, 4:45 हो गए हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग आना को सीधा बेड से हमने उठा के जैकेट पहना दिया है। तुमको ठंडी लग रही है, तुमने उसको हग किया है कि पेडी को ठंडी लग रही है, इसको उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सनराइज होने वाली, देखो पहाड़ों के उस साइड से हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज सन निकलने वाला है। फाइनली सन निकला। पेट्रोल पंप पे एक बार रुक के ना कंफर्म करना पड़ा, तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो रास्ता है चल रहा है हवा वाला, देखो चेक करवा लिया यहाँ पे टायर, नहीं नहीं ये सब तो सारा पंचर कर दिया, नहीं भी होगा तो नहीं, अच्छा
ठीक है। सो बेसिकली हमको डिटूर दिखा रहा था गूगल मैप्स पे अंदर से जब हम जा रहे थे, तो मेन हाईवे पे सातारा हाईवे है ना, हाँ, तो अंदर से कोई और ही रास्ता दिखा रहा, और हमने लिया वो टूर रास्ता अंदर का दूसरा कट वाला। तो एक जो लोकल्स होते ना, उन्होंने बोला कि ये गलत है, 3 दिन से मैप गलत दिखा रहा है, तो आप वापस हाईवे पे ही जाओ। हमने कहा कि एक बार कंफर्म कर लेते, तो हाईवे पे आके पेट्रोल पंप मिला पहला, तो वहाँ से एक बार कंफर्म किया कि भाई एक्चुअली ये रास्ता ठीक है, क्योंकि एक जगह मैप पे दिखा था कि कोल्हापुर हाईवे कहीं पर तो बंद है करके, तो पता चला आगे जाके कहीं अटक जाए, तो जस्ट आराम से एक बार चेक कर लिया, तो सब रास्ता चालू है ना, कोई इशू नहीं ना, तो ऐसा कुछ बोला नहीं किसी ने। हाँ, तो चलो बाकी देखते हैं, जाके पता लगेगा। मस्त सो गई फाइनली कहीं, तो आके सुभाष ने रोका गाड़ी, ऐसा लगा था सीधा गोवा ही ले जाएगा, खाने पीने नहीं देगा ये इंसान, क्या सीधा गोवा जाएगा। अरे बोला कोल्हापुर, कोल्हापुर से पहले बोला थोड़ा रुकेंगे, फिर कोल्हापुर भी क्रॉस कर गया, अभी निपानी करके जगह यहाँ पे, अभी मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब कुछ दिखा तो अनन्या भी खुश, और काफी सारे यहाँ पे ना पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, भूख लगी ना अनन्या। चलो ये सारी जगह है बट ले देके मैकडॉनल्ड्स अनन्या का फेवरेट, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। अभी अनन्या को यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ दिलवा, ये अनन्या को यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर वगैरह कुछ दिलवा के, यहाँ पे हल्दीराम वगैरह सब कुछ है, तो सोचे वहीं पे जाके ना चाय वाय लेते हैं, काफी अच्छा है इधर उधर, काफी ना इधर देखो पूरा वो इधर 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 पूरा चेयर्स लगे हुए हैं, ऐसा शादियों जैसा ऐसा लग रहा है। तो अनन्या उधर है और ये सामने ऐसा है, अच्छा कॉम्प्लेक्स मिल गया मुझे, ऐसी कुछ ना साफ सुथरा सा चाहिए था खाने के लिए, और यहाँ पे सारे हल्दीराम्स केएफसी वगैरह सब है, कोस्टा कॉफी भी है भाई। सो हम आए हल्दीराम चाय। सो बेसिकली हम लोग कर्नाटका के जस्ट एंट्रेंस पे ही है, क्रॉस कोल्हापुर एंड कर्नाटका। यस गॉट माय टी, यस माय फर्स्ट टी, कौन सी इडली, पोड़ी इडली, पोड़ी इडली। सो द टी इज वेरी स्वीट, बहुत ज्यादा स्वीट है, हमको लगा हल्दीराम में चाय मिल जाएगी, हल्दीराम में चाय नहीं है, और ये यहाँ से कहीं से तो लिया। तो हम कर्नाटका पहुंच गए, सीधा पुणे से कर्नाटका ले आए, बीच में कहीं नहीं रोका तुमने। अरे मैंने मैकडॉनल्ड से कुछ तो क्रशर लिया था पीने के लिए, और अभी उसने केएफसी से चिकन पॉपकॉर्न लिया, तो उसका ऑर्डर आने में डिले हो रहा है, तो वहाँ आ गई है अपना ऑर्डर देखने। यहाँ का सेटअप बड़ा मस्त है, गोवा वाला सैंड नहीं है, यहाँ का सैंड अलग है, क्यों गोवा के सैंड में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सॉफ्ट है थोड़ा रफ है। ये गोवा का सैंड नहीं है, कहती है रफ है, गोवा का सैंड थोड़ा सॉफ्ट है। मस्त हो रहा है वो पूरा सेटअप ना बैठने का, मतलब इवनिंग वगैरह में ऐसा ही रहता होगा, समस्त आ रहा यहाँ पे कहाँ से मैजिक आएगा। चलो लेट्स गो, चलो चलो हो गया लेट्स गो। बस कितने घंटे और, 3 घंटे और, 3-3.5 घंटे और, अभी आई थिंक वी आर इन दी घाट एरिया, घाट पे चढ़ रहे हैं हम लोग। सो वी वर एक्चुअली रॉन्ग, सो वो घाट एरिया नहीं था, अभी तक घाट एरिया स्टार्ट भी नहीं हुआ है एक्चुअली। पता है जैसे जब वो घाट एरिया आता है ना, वो जब खत्म होता है, तो बेसिकली गोवा इज लाइक यू आर ऑलमोस्ट नियर गोवा, तो हम बस वही कर रहे हैं कि शायद घाट आ गया, शायद घाट आ गया, शायद घाट आ गया। जनरली घाट एरिया स्टार्ट होने से पहले लिखा आता है ना घाट एरिया स्टार्ट्स, अब मुझे लग रहा है शायद सामने का रास्ता देखें कि शायद अब घाट एरिया है, तो अब जब एक्चुअल में ऊपर पहुंचेंगे ना वो घाट एरिया के ऊपर, तब बताऊंगी हम घाट एरिया में पहुंचे हैं। ये रास्ता कितना सुंदर है, दोनों तरफ हरा हरा, बहुत प्यारा रास्ता है। ये वाले प्लांट्स देखते ऐसा लगता है ना कि कोई रोमांटिक मूवी का गाना चलने वाला है, बड़े मस्त लगते हैं। चलो जा खेत में जा, वीडियो एक रोमांटिक गाना बनाते हैं, रील बनाते हैं, पीछे इतना सारे एरिया गया ना, वो लास्ट में मैंने शॉट किया लास्ट वाला पार्ट, सब बिल्कुल सा लगता है कुछ रोमांटिक गाना चल जाए और वहां पे भागो ऐसे स्लो मोशन में। वो अभी आया घाट, इतना स्टीप है, मतलब वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा पर्सपेक्टिव, ये इतना स्टीप है ना, आगे 1500 मीटर पे है मॉल तक को। मम्मा की राय देते हैं स्पीड में 20, देखो अरे खतरनाक खतरनाक थे यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। मम्मा में गिराए देते हैं, हाँ मैं इसलिए इतनी चला रही, पापा को दिया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी जंगल सफारी पे आए हुए हैं। ये जो पुल गए
दिखती है, ऐसे बिल्डिंग्स बड़े कलरफुल दिखते हैं, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देखो सब पिंक सा, ऐसे कलरफुल सा बिल्कुल गोवा। अभी क्रिसमस गया है ना तो सब जगह देखो रात को लाइट्स जलेंगी, सब लाइट्स रात को जलेंगी, सारी लाइट्स, कोकोनट ट्रीज इतने सारे, मतलब वाह गोवा भाई। गोवा में एंटर होके यहाँ पे ग्रोसरी शॉप में भी मुझे अंतर ना बहुत ट्रैफिक होता है, सो बेसिक सामान क्योंकि हमारा हॉलीडे होम है एंड वी हैव अ किचन और साथ में बच्चे हैं तो थोड़ा मैगी वैगी वो सब कुछ अभी लिया है, दूध ले लिया, चाय ले लिया, सुबह जब भी बोलने वाले कि यहाँ पे आके तुम चाय भी बनाने वाली हो, सो लेट्स सी, ये सब सामान यहाँ पे लिया है अभी, यहाँ पे मैगी के पैकेट्स, ब्रेड, चीज वगैरह सब कुछ ले लिया मैंने। चल बोला यहाँ पे आके भी घर बसा लो, सो ये आ गया मेन चौक, इधर कलंगोट, बागा और हम जो जा रहे हैं कांदोलेम, सब इस चौक से होते हुए ही जाता है कांदोलेम, यहाँ पे कांदोड़े। सो फाइनली पहुंचने वाले हैं हम लोग, सो फाइनली पहुंच गए, सुभाष गाड़ी पार्क करने वाले हैं, सो दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। लगेज रखते हुए और यहाँ पे हम ना पहले भी रुके हैं तो बेसिकली इट्स हॉलीडे होम जैसा है, जैसे बताया मैंने आपको किचन वगैरह सब कुछ है उसमें, सो लुकिंग फॉरवर्ड। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए, पहला लॉन्ग ड्राइव था सो ये हमारा बकेट लिस्ट में था, सो वी डिड दिस और यू नो एक और सरप्राइज है नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, यहाँ पे हम अकेले नहीं है किसी के साथ, वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस न्यू ईयर किसी के साथ, हम लोग न्यू ईयर को वेलकम करने वाले हैं, उसके लिए अगला व्लॉग देखना मत भूलना, सो सी यू अगेन अल्टिल नेक्स्ट टाइम, टिल द न्यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।